हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी खुद की एक मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट बना सकते हो, वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री में, और उससे आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमा सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, आप इस तरह की एक मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट बना सकते हो। यहाँ पर नई नई मूवी अपलोड करके आप पैसा कमा सकते हो। तो इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक ब्लॉग यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है blogger.com, और यहाँ पर आपको blogger.com वेबसाइट पर जाकर अपना एक नया ब्लॉग यहाँ पर बना लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एक नया ब्लॉग बनाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको मैं एक टेम्पलेट थीम दूंगा, उस टेम्पलेट थीम को आपको अपने ब्लॉगर में इंस्टॉल कर लेना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसको आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है। तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। तो यहाँ पर देखिए आपको अपना ब्लॉगर बनाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ऊपर की साइड इस तरह से यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको थीम वाले ऑप्शन पर जाना है। थीम वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कस्टमाइज की साइड में आपको एक एरो का निशान दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रेस्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने आपका जो फाइल मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर जो मैंने आपको टेम्पलेट दिया होगा उस टेम्पलेट को आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, इस टेम्पलेट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो थीम है वो आपके ब्लॉगर में लग जाएगी, और आपकी जो थीम है दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपकी जो थीम है वो कुछ इस तरह की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ऊपर की साइड यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का लोगो यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का जो नाम है उस नाम का लोगो यहाँ पर लगाया हुआ है। तो आप भी यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो भी नाम रखोगे उस वेबसाइट के नाम का लोगो यहाँ पर लगा सकते हो। तो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को एंड जरूर देखना, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर आपको अपने ब्लॉगर में आना है वापस। ब्लॉगर में आने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर की साइड थ्री लाइन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको इस लेआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेडर लोगो, इसके सामने आपको एक पेंसिल वाला आइकन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना है, अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने जो भी लोगो यहाँ पर लगाना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कोई भी यहाँ पर अगर ऐड लगाना है, अगर आपके पास ऐड कोड है तो यहाँ पर आपको देखिए ऐड कोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप ऐड कोड पर क्लिक करके उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो और आप अपनी वेबसाइट पर ऐड लगा सकते हो। तो इसके बारे में यहाँ पर काफ़ी लंबा प्रोसेस है, आप अपनी वेबसाइट पर ऐड कैसे लगाओगे, कैसे इसको मोनेटाइज करोगे, तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप लेआउट वाले ऑप्शन में आकर यहाँ पर अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, पूरी अपने ब्लॉग को अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने अपने ब्लॉग को अच्छे से कस्टमाइज किया है, और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप एक मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट बना सकते हो बिल्कुल फ्री में। अब दोस्तों ये जो टेम्पलेट है इसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में।